नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने दो नए खिलाड़ियों को नई टीम में शामिल किया है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े फैन हैं और चाहते हैं कि IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ही चैंपियन टीम बने, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी हर अपडेट जाननी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में खेले जाने वाले अंतरराष्ट्रीय T20 लीग यानी कि इंटरनेशनल लीग T20 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने नई टीम खरीदी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उस टीम का नाम दुबई कैपिटल्स है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मैनेजमेंट टीम की यह नई टीम है जिसका नाम दुबई कैपिटल्स रखा गया है, और टीम ने अपने 14 खिलाड़ियों वाली टीम का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस टीम में दो खतरनाक खिलाड़ियों को एंट्री मिली है। कि जनवरी 2023 में होने वाले इस लीग में दो खतरनाक खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स की नई टीम यानी कि दुबई कैपिटल्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे। दोस्तों बता दें कि फ्रेंचाइजी द्वारा जारी किए गए खिलाड़ियों में कैरिबियन खिलाड़ियों से लेकर श्रीलंका के खिलाड़ी और अन्य टीमों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में सभी टीमों के बीच कई टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि टीमों में एक से एक बढ़कर खिलाड़ी मौजूद है। आपको बता दें कि इस लीग की शुरुआत साल 2023 में होगी, जिसके लिए सभी टीमों के चयनकर्ता अपनी अपनी टीमों को तैयार करने में लगे हैं। दोस्तों अगर हम दोनों खतरनाक खिलाड़ियों की बात करें तो आपको बता दें कि पहले नंबर पर रोमन पोवेल का नाम आता है, जबकि दुबई कैपिटल्स ने दूसरे खतरनाक खिलाड़ी दुष्मंता चमीरा को भी अपने टीम में शामिल किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रोमन पोवेल ने अभी तक 50 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 138.59 के स्ट्राइक रेट से 826 रन बनाए। वहीं दोस्तों अगर हम दुष्मंता चमीरा की बात करें तो दुष्मंता चमीरा खतरनाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 50 T20 मुकाबलों में 48 विकेट लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स की नई टीम दुबई कैपिटल्स के लिए काफी कारगर साबित होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम GMR ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर किरण कुमार गांधी की बात करें, उन्होंने कहा है कि 15 सालों से IPL में रहने के बाद अब समय आ गया है कि हम क्रिकेट के और भी लीग से जुड़े और इंटरनेशनल लीग T20 यूनाइटेड अरब अमीरात में साल 2023 में शुरू होने वाला है, ये एक परफेक्ट टाइमिंग है GMR ग्रुप को अपना कैपिटल बड़ा करने का, जिस कैपिटल का हिस्सा दुनिया भर के पॉपुलर क्रिकेटर्स हो। दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स नई नई लीगों को ज्वाइन करे और अपनी नई नई टीम बनाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।